खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। रिपुन, एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अपने आदेश में, आप हमें बताएंगे? और 2 बजे क्या इस पूरे मामले की जो सुनवाई शुरू होनी है, मेडिकल रिपोर्ट 2 बजे तक पहुंच जाएगी सुप्रीम कोर्ट? देखिए बिल्कुल, ये सुनवाई जो अभी रोकी गई है 2 बजे तक के लिए, वो इसी वजह से रोकी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है मुकदमे ट्रांसफर होंगे ये तो तय है, कोर्ट पहले कह चुका है, तमाम दूसरी बातें भी कह चुका है, लेकिन जो पीड़िता है और उसके जो वकील हैं, जो दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और लखनऊ में जिनका इलाज चल रहा है, क्या ये संभव है कि उनको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली या कहीं और ले जाया जा सके ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके? तो मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बाकी जो कोर्ट का आदेश अब जो 2 बजे के बाद आने वाला है वो लगभग स्पष्ट है, कोर्ट बार बार उसे जाहिर कर चुका है कि सभी 5 मुकदमे जो 9 मामले से जुड़े हुए हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा। और कोर्ट ने हालांकि अभी ये टिप्पणी की है, आदेश नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि एक्सीडेंट मामले की जांच के लिए बहुत लंबा वक्त नहीं दिया जा सकता, आप हफ्ते भर में इसे पूरा करें, सीबीआई से ये कहा है। तो 2 बजे फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद औपचारिक आदेश दर्ज कराया जाएगा। तो निपुण, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी कोई आदेश नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो केस ट्रांसफर कहां किया जाएगा, तो क्या ये हम माने कि 2 बजे ये भी साफ हो जाएगा कि ये केस कहां ट्रांसफर किया जाएगा, यूपी से कहां होगी अब आगे की जांच, आगे की सुनवाई? बिल्कुल 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 शोभना, यही लग रहा है कि 2 बजे ठोस आदेश आएगा मुकदमों के ट्रांसफर को लेकर, सभी 5 मुकदमों के ट्रांसफर को लेकर। कितने वक्त में उन्हें उनकी जांच पूरी की जाएगी, जो लंबित जांच जिस मामले में भी रह गई है उसको लेकर, और पीड़िता को क्या, पीड़िता और उसके वकील को क्या इलाज के लिए कहीं बाहर ले जाया जा सकता है, एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया जा सकता है या उन्हें अभी वहीं रखना होगा लखनऊ में, ये सारी बातें कोर्ट विचार करेगा और एक आदेश देगा, कोर्ट ने ऐसा साफ किया है।